अश्विन अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और आपको बता दें कि इसी एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है जो कि 3 साल में एक बार ही आती है, क्योंकि अधिक मास भी 3 साल में एक बार ही आता है और इस बार की जो यह एकादशी है यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। जिन भी लोगों के जीवन में धन सुख और समृद्धि की बहुत ही अधिक परेशानी रहती है, बाधाएं रहती हैं, या फिर जो लोग सांसारिक सुख से हमेशा ही घिरे रहते हैं, पारिवारिक सुख उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही धन होता है, तो ऐसे लोगों को इस एकादशी का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यह एकादशी साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी भगवान विष्णु का प्रिय दिन है, प्रिय तिथि है, इसीलिए माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की विशेष और खास कृपा इस एकादशी के दिन प्राप्त होती है। और काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि वह कौन कौन से खास दिन है जिन पर खास चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी खास चीज़ों को करके अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी खास दिन के लिए खास किए जाने वाले प्रयोग के बारे में। मलमास या पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इसे पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस बार यह 27 सितंबर के दिन है, यानी कि रविवार के दिन है। भगवान विष्णु का यह महीना बेहद ही पवित्र महीना कहा जाता है और इस महीने में एकादशी का पड़ना विशेष संयोग होता है। इस व्रत को करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, बल्कि शास्त्रों में ये बताया गया है कि 12 महीने में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, अगर आपने किसी भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो केवल पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने से ही सभी एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, किसी भी एकादशी पर पूजा पाठ नहीं किया है, तो केवल इसी एकादशी पर व्रत रखकर आप पूजा करके सभी राशियों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस बार अधिक मास जुड़ जाने से 26 एकादशी हो रही हैं। मलमास में पहले 27 सितंबर को, यानी कि आने वाला जो रविवार है, इसी को पुरुषोत्तम एकादशी है और 13 अक्टूबर को परम एकादशी है। और ये दोनों एकादशी ही हर 3 साल में जुड़ जाती हैं, क्योंकि मलमास हर 3 साल में एक बार ही पड़ता है और 3 साल में एक बार पड़ने से इस एकादशी का परम स्थान शास्त्रों में बताया गया है। इस महीने में पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान और हजारों यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिन भी लोगों के जीवन में धन की परेशानी रहती है या पारिवारिक सांसारिक सुख उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता है, वैवाहिक सुख नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत जरूर ही रखना चाहिए। अब दोस्तों, आप एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त नोट करके रख लें, जो कि 26 सितंबर शाम 7 बजे से एकादशी तिथि शुरू हो रही है और एकादशी तिथि 27 सितंबर को शाम को 7:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आप इस समय को नोट करके रख लें और इसी समय में जो प्रयोग हम आपको बताएंगे एकादशी के लिए, उसी समय में आपको करना है। लेकिन उससे पहले आप इस एकादशी के व्रत की विधि जान लीजिए कि किस प्रकार आपको यह व्रत धारण करना है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत होकर भगवान विष्णु का ध्यान और प्रार्थना करनी है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लें और उन पर गंगा जल से छींटे दें और रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और सफ़ेद फूल आपको चढ़ाने हैं। इसके बाद किसी भी एक मिठाई से आपको भगवान का भोग लगाना है और तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना है। ये आपको 5 पत्ते लेने हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद फूल अर्पित करने का एक खास ही और विशेष ही महत्व बताया गया है, जिससे जीवन में आ रही सभी बाधाएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक आपको दुश्मन परेशान करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा बाधाएँ आपके जीवन में आती रहती हैं, कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता है, तो इसी दिन एकादशी के भगवान विष्णु को सफ़ेद फूल आपको अर्पित करने चाहिए। इसके बाद आप मिठाई और तुलसी के पत्ते को अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है और देसी घी का दीपक आपको जलाना है। दीपक में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और पीली बाती का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है कि आपको सफ़ेद कच्चे धागे का इस्तेमाल करना है और उसे पीले रंग से, यानी कि हल्दी से रंग देना है। आपको फिर उसमें हल्दी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह से रंग देंगे बाती को, तब उसी तरह से आप दीपक को जला सकते हैं। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जिस समय आप दीपक जलाएंगे, उसी समय आपको अपनी मनोकामना को 11 बार बोलना है। यह मनोकामना पूर्ति के लिए बड़ा ही आसान सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा अचूक प्रयोग है।
अगर आप व्रत रखते हुए इसी प्रकार दीपक को जलाते हैं, हल्दी की पाती का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी मनोकामना आप उस समय बोलेंगे तो वह निश्चित ही पूरी हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको तैयार करके नहीं रखनी है और ना ही बोलनी है। केवल एक ही लाइन आपको बार बार 11 बार दोहरानी है। इसी तरह से मनोकामना पूर्ति का यह प्रयोग आपको एकादशी के दिन कर लेना है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस विधि के अनुसार भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। अपने पाप कर्मों की क्षमा याचना आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने करनी है और अपनी धन की सभी समस्याओं को बोलना है। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को जाकर भोजन करा देना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन ही आपको तुलसी की परिक्रमा भी करनी है। यह 108 परिक्रमा करनी है। और ये ध्यान रखें कि एकादशी को बिल्कुल भी छूना नहीं है। तो पहले ही दिन ऐसी व्यवस्था करके आपको रखनी है कि एकादशी के दिन आसानी से 108 परिक्रमा आप तुलसी की कर सकें। और घर के सभी लोग अगर कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इससे परिवार में सुख समृद्धि के योग बन जाते हैं और परिवार के जो लोग होते हैं जिनके जीवन में बाधाएँ होती हैं उनके जीवन से सभी बाधाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों आप खास प्रयोग की विधि भी जान लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं या आपके जीवन में विवाह से बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं या फिर वैवाहिक सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, पारिवारिक गृह कलेश बहुत अधिक होता है और हर समय आपको चिंता और घबराहट होती रहती है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन आकर्षण जीवन में बढ़ जाता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक हल्दी की गांठ को ले लेना है। और इस बात का ध्यान रखें कि साबुत हल्दी की गांठ ही आपको लेनी है। यह आपको 11 गांठ लेनी है और उसके बाद उन हल्दी की गांठ को कुमकुम से रंग देना है। और अगर आपके पास काली हल्दी है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इसके स्थान पर आप सिंदूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंदूर से रंगने के बाद आपको इन हल्दी की गांठ को 5 गांठ आपको अपने लेफ्ट हैंड में रखनी है और 6 गांठ आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। इसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विष्णु पत्नी लक्ष्मी ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को आप दोबारा सुन लें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विष्णु पत्नी लक्ष्मी ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। बस इसी तरह से आपको 11 माला जाप कर लेनी है। जो लोग पहले से माला जाप नहीं करते हैं तो उनको बता दें कि कम से कम आधा घंटा 40 मिनट आपको बैठना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आधे घंटे में ही 11 माला इस मंत्र का जाप हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि माला का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों हाथों में हल्दी को आपको पकड़ के रखना है। तो जो लोग रोजाना माला जाप करते हैं उन्हें अंदाजा लग जाता है कि आधे घंटे में 11 माला हो जाती हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप 40 मिनट बैठ सकते हैं, इसी में 11 माला हो जाती है। आपको यह बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 11 माला हुई हैं या नहीं हुई हैं, बस इसमें आधा घंटा या फिर 40 मिनट ही बैठना होता है। बस इस प्रकार से आपको कर लेना है और इन हल्दी की गांठ को दोबारा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रख देना है और अपनी प्रार्थना करनी है या जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सब आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान रखें कि जो ये हल्दी की गांठ है, इस प्रकार करने से यह सिद्ध हो जाती है और यह आपको बिल्कुल पीले कपड़े में बांध कर रख लेनी है। इन हल्दी की गांठ को इस प्रकार से व्यवस्था करनी है कि आपके अलावा इन्हें कोई भी ना देखे, तो इसलिए आपको पीले रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, उसी में आपको यह बांध कर रख लेनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि फिर इस कपड़े को आपको ऐसे स्थान पर छुपा कर रखना है जहां पर आप पैसे रखते हैं या कीमती कागजात अपने रखते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी इसे रख सकते हैं। इसमें से केवल 6 गांठ ही आपको अपने पास रखनी है और 5 जो गांठ हैं उनको नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है, या फिर अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो आप पीपल पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में भी इन्हें दबा सकते हैं। लेकिन जब आप दबाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 5 जो गांठ आप दबाएंगे उनको एक साथ बिल्कुल भी नहीं दबाना है, बल्कि चारों दिशाओं में आपको दबाना है और एक बीच में दबाना है। पीपल पेड़ के पास ही इस प्रकार से आपको दबाकर आ जाना है और जो 6 गांठ है आपको उन्हें कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेना है। और जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य करते हैं या धन के
कार्य करते हैं, धन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तब आपको इस कपड़े को खोलकर देखना है और इन हल्दी की गांठ को अपने माथे से लगा लेना है। यह तुरंत गुड लक को आकर्षित करता है, धन आकर्षण को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फिर उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है। जितना भी ग्रह कलेश होता है, जितनी भी दुख या बाधाएं होती हैं, वह बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो जरूर इस प्रयोग को बताई हुई विधि के अनुसार आप एकादशी के दिन कर लें। और भी ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।